नाज़रीन इकराम, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज बरोज बुध, तबाहकुन खबरें सामने आई हैं। मात्र 9 घंटे पहले की खबर है, इराक के डिप्लोमेट ने ऑफिशियली उन्होंने यूएन में और इंटरनेशनल कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इराक में आते हैं और वो स्मगलिंग करते हैं, वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं और भीख मांगते हैं। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है, इसको सुनने के बाद जारी बात है लोग परेशान होते हैं। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बहुत खतरनाक सूरत हाल है, वीजा नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को, हमारी हरकतें ऐसी है। तो हर मुल्क में हमें क्यों डिसरिस्पेक्ट किया जाता है? वो हमारी एक सोच है, एक हमारी एक जो हमें बताया गया कि जी हमने बाकियों को भी अपनी मर्जी के ऊपर जिंदगी गुजारने की जो है वो उनके ऊपर मुसल्लत करना, जो जो कॉमन सेंस है वो इनमें कॉमन नहीं है। मुसलमानों जैसे नाम रखने या उन जैसी हरकतें करने से इंसान बिल्कुल मुसलमान नहीं होता, जिसकी वजह से जो आपका जो डिप्लोमेट गया हुआ था वहां पर वो बहुत शॉक भी हुआ और आपके वजीर आजम भी कहे नहीं ये सब कुछ झूठ है, जिस पर इराक के डिप्लोमेट ने बजाफ्ते पूरा प्रूफ दिया है यूएन को। शर्म हमको मगर नहीं आती, चीमा साहब फिर उसका क्या करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गैन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय इराक से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसे सुनकर के पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया का सिर शर्म से डूब चुका है और उसकी वजह यह है कि इराक ने बाकायदा ऑफिशियली पाकिस्तान के खिलाफ यूएन के अंदर और इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर शिकायत दर्ज कराई है, जो कि देखा जाए तो पाकिस्तानी माइंडसेट का एक और एग्जांपल है। साथ ही साथ आपको यह बता दूं कि इराक एक मुस्लिम कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी और ईरान के बीच में स्थित है, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अल सुदानी हैं। इराक वही देश है जिसकी राजधानी बगदाद है, जहाँ पर पाकिस्तानियों ने वही हरकतें की जो कि पाकिस्तानी दुनिया के अंदर अब काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों की ये जो गंदी हरकतें हैं न सिर्फ यूरोप के अंदर यानी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, बल्कि उसके साथ साथ जो खुद पाकिस्तान बोलता है उम्मा देश, उन उम्मा देशों के अंदर जाकर भी, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, अब इराक, जहाँ से पाकिस्तानियों की हरकतों का असलियत सामने आ रही है। यानी यह कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि अब तो यह ऐसी कंटिन्यूस खबरें आ रही है पाकिस्तानियों के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। मात्र 9 घंटे पहले की खबर है और मैं आपको टाइम्स अलजेब्रा से ही बता रही हूँ, कहीं और से नहीं बता रही हूँ, जिसमें देखिए आपके जो वजीर आजम है दोनों परेशान हैं। इराक के डिप्लोमेट ने ऑफिशियली उन्होंने यूएन में और इंटरनेशनल कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इराक में आते हैं और वो स्मगलिंग करते हैं, वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं और भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो डिप्लोमेट गया हुआ था वहां पर वो बहुत शॉक भी हुआ और आपके वजीर आजम भी कहे नहीं ये सब कुछ झूठ है, जिस पर इराक के डिप्लोमेट ने बजाफ्ते पूरा प्रूफ दिया है यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग टूरिस्ट वीजा पर इराक आते हैं और वो नशे का व्यापार यहाँ पर करते हैं, वो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वो मोलेस्टेशन करते हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों का, और उसके बाद जब अरेस्ट होते हैं तो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि बच्चियों के साथ सेक्सुअल रिलेशन करने से उसको क्राइम कहा जाता है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है इराक के डिप्लोमेट का, जो उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो है और पाकिस्तान के सारी हरकतों का वो उन्होंने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को दिया है और साफ लफ्जों में कहा है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ऑफ पाकिस्तान चाहे तो इस पर इंक्वायरी स्टार्ट कर सकती है कि वो आए इराक में और देखे कि जो पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा लेकर के आ रहे हैं वो किस तरीके की बदतमीजी और किस तरीके का वो हरकत जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके की मानसिकता मुसलमानों की पाकिस्तान में है और जिसकी वजह से पाकिस्तान इस पूरी दुनिया में बेआबरू और बेइज्जत हो रहा है। यहाँ तक के इराक के ऑफिशियल डिप्लोमेट ने यूएन को ये भी कहा है कि वो अब
आपके पाकिस्तान के सभी लोगों को निकालना स्टार्ट करेंगे और किसी भी पाकिस्तानियों को वो इराक एंटर नहीं करने देंगे। अब इसमें देखिए पाकिस्तान के मुसलमानों को सोचने की जरूरत है कि यूएई आपका आपको बैन कर रहा है, इराक आपको बैन कर रहा है, कतर आपको बैन कर रहा है। लगभग मुझे लगता है कि 20-22 मुस्लिम कंट्रीज ने ऑलरेडी पाकिस्तान को बैन करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे कम ही सियासतदानों को मुझसे बात करके अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, आप बड़े खुले खुले सवाल करती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है। अच्छा शेख साहब, ये मुल्की मईशत के हवाले से ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं इस आपकी मिनिस्ट्री से हट के ज़रा, तो ये सब ये जो रिपोर्ट है जी सरमायाकारी के हवाले से कि जी स्टेट बैंक रिपोर्ट कर रहे कि 7,80,00,000 डॉलर का सरमाया है, सरमायाकारी जिन्होंने कर रखी थी वो निकाल रहे हैं, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है? इसको सुनने के बाद जारी बात है लोग परेशान हो। ये हमारी ओपन इकानमी है, लोग आते भी रहते हैं, किसी महीने ज़्यादा सरमाया आ जाता है, किसी महीने वो निकाल लेते हैं। अब आप देख लीजिए कि पिछले 9-10 महीने में पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया का बेस्ट मार्केट है, रोज आज भी 600। अच्छा, मुझे तो ऐसी खबर सुन के बड़ी खुशी होती है और हर किसी को जारी बात है अपने मुल्क के बारे में मईशत अगर बेहतर हो रही है तो अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। अच्छी बात। और जब भी कभी मईशत के हवाले से कोई बुरी खबर हम सुनते हैं या रिपोर्ट पढ़ते हैं फिर उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट करते हुए सवाल पूछते हैं तो बजाते खुद भी तकलीफ के साथ पूछ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बहुत अच्छे मईशत के हालात हैं, हमारे मईशत बहुत तकलीफ में है हम, लेकिन मैं पहले से इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे बल्कि याद है अगर मैं गलत नहीं हूँ आप इलेक्शन से पहले गालिबन मेरे प्रोग्राम में थे और आपने कहा था कि अगर आपको मौका दे दिया जाए, वजारत खजाना दे दी जाए तो आपके पास कुछ प्लान्स हैं क्योंकि आप एक बिजनेसमैन कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं, तो आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं मेरी। तो आप फिर आइडियाज भी देते रहते हैं। तो लेकिन अभी औरंगजेब साहब तशरीफ लाए हैं, यकीन जानिए कि मैं बड़ा उनका मद्दा हूँ, वो बड़े अच्छे तरीके से और मियां शहबाज शरीफ साहब की जो मेहनत है जो एफर्ट वो कर रहे हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने कहा एक खाना था उन्होंने कहा कि अपने मैंने 40 साल की ज़िंदगी में पिछले जो 3-4 हफ्ते गुजरे हैं वो सबसे टफ थे, कि क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल है जब दूसरे मुल्क अभी डिमांड कर रही हैं, IMF हमें कह रही है कि और तकरीबन 12 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग अरेंज करें, तो उसके बावजूद हमारा ये मआशी इस्तेहकाम हम सुनते थे, सियासी इस्तेहकाम और मआशी इस्तेहकाम एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, ठीक है बिल्कुल अग्री करते हैं हम इस बात से। सियासी इस्तेहकाम तो सर आने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर PTI के हवाले से आए दिन जो खबरें आती रहती हैं, अभी जो कल गिरफ्तारियाँ हुई पार्लियामेंट में जो हुआ, और देखिए ना PTI वाले 10 साल से यही काम कर रहे हैं ना, जब चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ आना था शी प्रेसिडेंट शी ने 2014 की 14 में जब धरना दिया हुआ था उन्होंने, तब भी उन्होंने धरना दे दिया, कोई भी पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात नहीं। आप दुरुस्त कह रही हैं